हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम शो एंड स्वागतम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी वुमन केपी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपने टाइटल में देखा ही होगा तो यू कैन रिलेट कि हम क्यों ऐसे सच सच के बैठे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर वेडिंग स्टोरी एंड आवर जर्नी। सो वो दिन होता है जहाँ पे हम सच धज के रहते हैं, इसीलिए हमने सोचा वेल शेयरिंग द स्टोरी ऑल्सो हम सच धज के बैठे तो जस्ट कुछ मेमोरीज ताज़ा हो जाए। राइट, तो जैसे हर कपल्स की एक कहानी होती है, हमारी भी एक कहानी है जिस वजह से हम यहाँ साथ बैठे हैं। तो हमारी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे टर्न्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे उसे। वी हैव डिसाइडेड टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स। तो अभी हम जो बोलने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट है, एंड देन वी विल पुट अनदर वीडियो विद द सेकंड पार्ट। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये शुरुआत होती है 2016 में। एक्चुअली मैं रुस्तम मूवी रिलीज हुआ था तभी, अगस्त की बात है ये, 2016 अगस्त। सो द मूवी रुस्तम हैड रिलीज्ड और मैं गई थी मेरी फ्रेंड के साथ देखने के लिए वो मूवी थिएटर में। और जीवनसाथी.com में मुझे, मेरा मोबाइल में वो ऐप था जीवन साथी का, और मुझे एक नोटिफिकेशन आया। इट वॉज अ नाइट शो, आई थिंक इट वॉज गेटिंग ओवर बाय 9:30 और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ठाणे में था वो। So and it was very rainy that day and lot of traffic and all that, तो वो चक्कर में I had ignored it. Then मैं घर पे आई and घर पे आने के बाद मैंने वो ठीक से देखा notification जीवन साथी का। He had sent an express interest. I think people who have applied through matrimonial sites उनको मालूम होगा कैसे चलता है। Yeah, तो express interest का आया था notification। तभी I just vaguely went through his profile. मैंने इतना इंटरेस्ट से नहीं देखा बिकॉज पूरा टायर्डनेस था पूरे दिन का एंड ऑल दैट, एंड वाज 14th August। सो हमारे पूरे स्टोरी में आपको नंबर 5 का जो है पूरा मैजिक दिखेगा। सो 14th August जो मूवी मैं देखने गई थी उसी दिन रात को, फिर 11:45 और समथिंग ही व्हाट्सएप जीवन साथी पे ही हमने बातचीत स्टार्ट की, चैट शुरू किया था। एक्चुअली एक्सेप्ट करने के बाद उसी पे वी वर चैटिंग। या आई गॉट रेडी एंड ऑल आफ्टर शावर एंड तभी ही हैड मैसेज्ड मी सेइंग दैट हाय इज दिस मिस्टर प्रकाश। एक्चुअली माय डैड्स नेम इज मिस्टर प्रकाश एंड जो अकाउंट है उस पे लिखा है मैनेज्ड बाय पेरेंट्स। सो आई वाज वेरी पोलाइट एंड आस्किंग कि इज इट मिस्टर प्रकाश। या सो देन आई सेड नो इट्स मी कविता एंड ही इज लाइक नो यू हैव मेंशनड दैट इट्स मैनेज्ड बाय पेरेंट। आई सेड या इट इज मेंशनड बट द ऐप इज ऑन माय फोन एंड दे गो थ्रू द प्रोफाइल एंड ऑल दैट। सो आई आस्क्ड हिम द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने उनको पूछा, हिज नेम इज मीमो। सो आई आस्क्ड हिम इज दिस योर पेट नेम और इज दिस योर रियल नेम। मेनी पीपल आस्क मी दैट क्वेश्चन, इज इट योर पेट नेम और व्हाट, बिकॉज़ इट्स अ वेरी यूनिक नेम, मैंने पहले कभी सुना नहीं था। इज वेरी बंगाली नेम, इसलिए काफी लोगों को ये भी शक है कि इज ही अ बंगाली। तो नो, ही इज अ मलयाली, वी बोथ आर मलयालीज। सो वैसे वहाँ पे थोड़ा सा एक 2-3 मिनट्स का चैट हुआ एंड देन ही टेलिंग मी वेरी स्मार्टली दैट ऑलरेडी से। एक्चुअली वो जीवन साथी का जो ऐप है चैट जो उस पर होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने से पूछा कि यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है टू चैट ऑन दिस, is it okay if you can chat on WhatsApp? simple सा सवाल पूछा। I remember very well. It's pretty difficult talking in here. Can we talk on WhatsApp? So I said okay. What is so difficult? पता नहीं, but I said ठीक है, okay fine. Let's speak on WhatsApp. तो वैसे number exchange, because मेरे profile में मैंने वो number hide किया था। हाँ, तो you can't get my number. So then I shared my number with him and then first message जो आता है, it becomes 12 o'clock, तो 15th August हो गया। तो he messages happy Independence Day. So this was the first chat जो शुरू हुआ 15th August 2016 को with happy Independence Day wish। Yeah. And then उस दिन फिर क्या ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ? उस दिन ज़्यादा बात नहीं हुआ क्योंकि already late हो चुका था। So I was going through some profiles, तो ऐसे इनका जब देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें common लगी। पहली चीज़ जो common लगी वो था इनका birth date जो था 5th June। Then हमारा zodiac sign भी same था। Then she was from Mumbai।
तो ये सब चीजें जब मैच हो रही फिफ्थ थी. जून और ही इज 14th जून, इसीलिए ही वाज एबल टू रिलेट. ही इज आल्सो नंबर 5, नंबर सो फाइव. 5th जून एंड ही इज 14th जून. एंड जोडियक साइन भी हमारा सेम है, जेमिनाई, एंड मुंबई से है एंड मलयाली है. तो ये सब जब मैच हो रहा था तो ऐसा रिक्वेस्ट भेजना चाहिए. मैंने जब फोटोज चेक किए तो मुझे क्वाइट क्यूट लगी, ये अच्छा लगा, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा. तो वो एक्सेप्ट होने को थोड़ा टाइम लगा था. तब तक आई वॉज ऑन एट वर्क, आई वॉज डूइंग माई थिंग. एंड देन रात का टाइम हो गया था, जब डिनर का टाइम जो ब्रेक मिलता है हमें, तभी हमने चैट करना शुरू किया. बिकॉज आफ्टर द मूवी आई रीच्ड होम एंड देन आई एक्सेप्टेड योर दैट्स व्हाट, इंटरेस्ट. यस. या तो फिर वैसे उस दिन बहुत कम बात हुआ एंड आई वॉज वेरी बिजी. मैं भी एक्चुअली आफ्टरनून शिफ्ट में काम करती थी ना, मार्केट रिलेटेड फर्म, तो हम लोग को बहुत कुछ मॉनिटर करना पड़ता था. आई वॉज ऑलवेज इन टू दिस मॉनिटर एंड एनालाइजिंग ऑल द स्टफ्स एंड ऑल, तो इसीलिए आई डेंट हैव द टाइम टू लुक एट व्हाट्सएप. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे यूज टू कंप्लेन कि तुझे व्हाट्सएप करके कुछ फायदा नहीं है. आफ्टर मेनी डेज आई ओपन व्हाट्सएप. आई वॉज नॉट अ वेरी टेक पर्सन. मोबाइल या व्हाट्सएप या फेसबुक, आई वॉज इंस्टाग्राम, किसी में भी आई वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव. एक्टिव, एक्चुअली फेसबुक पे तो मेरा प्रोफाइल भी था, नहीं. बट आई हैड डीएक्टिवेटेड इट एंड केप्ट फॉर अबाउट 2-3 2 साल ऑलमोस्ट. आई थिंक इट वॉज डीएक्टिवेटेड 2 or 3 years. देन आई सेंट रिक्वेस्ट ऑन इंस्टा, आई थिंक. इंस्टाग्राम, या शी तो वाज देयर ऑन वैसे ही इंस्टाग्राम. स्पोक एंड ही टोल्ड कि आर यू देयर ऑन सोशल मीडिया. देन ही वाज लाइक ये तो बहुत वियर्ड है, यू आर नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया. तो तभी आई वाज आल्सो लाइक कि ऐसे कैसे बोल रहे. तो आई वाज तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू आर चैटिंग विद अ पर्सन क्या उनका क्या इंटेंशन है. तो वैसे इवन आई एम नॉट एबल टू गिव टू मच टाइम. तो वैसे आई थिंक 5-6 दिन निकल गए. ही इज ट्राइंग टू मैसेज मी बट आई डोंट फाइंड द टाइम टू रिप्लाई टू हिम. तो ही वॉज गेटिंग एन आइडिया जैसे कि आई एम हैविंग लॉट ऑफ एटीट्यूड. तो वन डे आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ही हैड मैसेज मी, लुक आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इफ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी यू कैन टेल मी डायरेक्टली एंड यू नो आई लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. सो आई टोल्ड हिम दैट ऐसा कोई बात नहीं है दैट आई डोंट लाइक यू, या ऐसा कुछ बात ही नहीं हो पा रहा है ना, बिकॉज आई एम बिजी एंड जो भी ये सिचुएशन है आई एम नॉट वी आर नॉट एबल टू टॉक. सो वंस वी स्पीक ओनली आई कैन यू नो जज की अच्छा है नहीं है. नाउ राइट नाउ ऐसा कुछ भी बात नहीं है. आई एम जस्ट कीपिंग बिजी. तो इट वॉज नथिंग लाइक दैट. सो देन वैसे एक बार आई रिमेंबर ऑफिस में मैं बैठी थी एंड आई वॉज लाइक आई हैव नॉट इवन हर्ड योर वॉइस. ही वॉज मैसेजिंग मी फ्रॉम आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून काव्या एंड ऑल सम नेम्स एंड ऑल. ही हैड केप्ट फॉर मी माय नेम इज कविता. ही हैड केप्ट सम पेट नेम्स एंड ऑल. वैसे डालते हैं ना निकनेम्स जब आप निकनेम्स किसी कविता फ्रेंड्स का के लिए. काव्या तो या तो बट शी डिडंट लाइक इट एट ऑल. आई डोंट लाइक इट बिकॉज व्हाट इज कविता है एक नाम, वो काव्या का क्या लॉजिक. आई डोंट नो कवि. आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी कॉल मी कवि, बट ये काव्या का क्या लॉजिक था. आई डोंट लाइक इट. आई वांटेड टू मेक इट डिफरेंट, डिफरेंट. आई डोंट लाइक इट ओनली. गॉन. आई डोंट लाइक इट. आई वाज इग्नोरिंग हिम. देन इवनिंग में अगेन ही वाज मैसेजिंग मी ऐसे बैक टू बैक, आफ्टरनून में, इवनिंग में एंड ऑल दैट. थोड़ा ही हैड टू चेज टू मेक मी स्पीक टू हिम. देन आई फाइनली इवनिंग में आई टोल्ड हिम ओके डू वन थिंग. आई ड्राइव बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम. आई यूज टू वर्क इन पवई एंड आई स्टे इन नवी मुंबई. सो ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes लग जाता था. तो आई टोल्ड हिम दैट्स द राइट टाइम एंड यू कैन कॉल मी इफ पॉसिबल एंड तभी हम बात करेंगे. एंड बिफोर दैट मैंने आई हैव नेवर हर्ड योर वॉइस. तो ही सेंट मी, आई टोल्ड हिम यू सेंड मी अ वॉइस नॉट लेट मी हियर योर वॉइस. ही सेंट मी हाई कविता one small voice note. So tabhi I was like in his photo he looks quite matured and in his awaaz the voice was very young. So I told him you sound very young. That was the first thing I told him. देन वैसे उस दिन ही जन्माष्टमी, मतलब 12 बजते जन्माष्टमी वाला दिन होने वाला था. तो पीपल वो झूला एंड ऑल दैट, कृष्णा का वो सब फंक्शन होता है ना रात को. तो मॉम एंड एवरीबडी हैड गॉन टू टेम्पल. आई रीच्ड होम, वी वर टॉकिंग ऑन द फोन ओनली. बहुत बात कर रहे थे फोन पे ऑन द वे. बट घर पहुंचते पहुंचते जो गेट है 12 बजने के बाद दे क्लोज. वो जो डबल गेट रहता है उसका एक पार्ट एक क्लोज एंड छोटा सा गेट ही रहता है. सो मेरा ध्यान नहीं था, बातों बातों में आई जस्ट स्क्रेप्ड थ्रू द गेट. द वॉचमैन ऑल्सो केम इन, अरे क्या कर रहे हो, ये गेट बंद है एंड ऑल दैट. एंड देन ही गॉट स्केर्ड एंड ही जस्ट कट द फोन. एंड देन आई रीच्ड होम एंड एवरीथिंग एंड देन ही इज कॉलिंग मी. ही इज टेलिंग मी, अरे हाउ मच मनी आई हैव टू पे फॉर यू, जस्ट लेट मी नो कितना भरना है क्या. बोला अरे वो रबिश, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा स्क्रैच हो गया, वट एवर इट इज, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. सो ही वॉज लिटिल बिट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ माई बैंक ऐसा कुछ. फिर भी दैट डे देन वी केप्ट स्पीकिंग अ लॉट. आई थिंक 1.5 आवर्स. हाँ, रात को भी बात चल रहा था
एंड वी वर लाइक ट्राइंग टू नो ईच अदर, एक या दूसरे के बारे में पूछ रहे थे, जान रहे थे व्हाट डू यू लाइक व्हाट डू यू डू. तो ऐसे ही बातों बातों में इन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी का लेसन दे दिया मुझे. पता नहीं व्हाट ऑल थिंग्स शी वाज सेइंग, पहला घर दूसरा घर पता नहीं कितना घर, आई डोंट नो व्हाट ऑल शी वाज सेइंग. एंड बिकॉज शी वाज इनटू लाइक डीप इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी थिंग. आई वाज लाइक शॉक, व्हाट इज दिस, शी नोज एग्जैक्टली कहाँ क्या होता है, कैसे चेक करते हैं. सो शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी दैट नाइट, पहली बार हम लोग फोन पे बात करें, शी इज एक्सप्लेनिंग मी अबाउट एस्ट्रोलॉजी. आई वॉज टीचिंग हिम या एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कैसे होता है, बिकॉज वो टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी का ऐसे सीखने का एक इंटरेस्ट आ गया था. सो आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. तो कुछ तो ऐसे टॉपिक निकला, बिकॉज शादियों में अभी अगर अरेंज मैरिज है ना, वी आर कमिंग थ्रू मैट्रिमोनियल वेबसाइट, तो यू कैन कॉल इट काइंड ऑफ एन अरेंज मैरिज. तो अरेंज मैरिजेज में यूजली तो हॉरोस्कोप्स मैच होता ही है. लव मैरिज में तो मोस्टली पीपल इग्नोर इट, बिकॉज वॉट यू कैन डू अबाउट इट. तो अरेंज मैरिज में तो फर्स्ट स्टेप मोस्टली ऑल फैमिलीज गो इन फॉर दैट होरोस्कोप चेकिंग. तो इसीलिए वैसे वो टॉपिक निकला, नक्षत्र क्या है एंड ऑल दैट. एंड द फनीएस्ट पार्ट इज मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला था दो नक्षत्रम है जो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वो है मगीरियम एंड एक और नक्षत्र है भरणी. आपको ये दोनों नक्षत्रम देखना ही नहीं है. एंड दिस फेलो व्हाट ही हैज डन ऑन जीवन साथी, ही हैज चेंज इज नक्षत्रम बाय मिस्टेक टू मगम इंस्टेड ऑफ ही इज एक्चुअली एक्चुअली मगेरियम. वो एम से स्टार्ट होता था ना, तो मगेरियम मुझे उतना समझ में नहीं आता. तो दे हैड आस्क्ड कि व्हाट इज योर नक्षत्रम, बिकॉज साउथ इंडियन इसके हिसाब से, तो मैंने मगम डाल दिया था. मुझे नहीं पता था कि मगेरियम मगम इट्स लाइक ऑल टू डिफरेंट थिंग्स. तो तो वैसे अगर हाँ वो मगेरियम लिखा होता तभी आई वुड हैव डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज मुझे बोला गया था कि ये मगेरियम और भरनी देखना ही नहीं है, वो बिल्कुल मैच नहीं होगा, देखना ही नहीं है. तो आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड एट ऑल. तो बट वॉट हैपेंड इज ही मेड अ मिस्टेक, मगम डाला. तो मगम वॉज फेयर इनफ, नॉर्थ इंडियंस को नहीं मालूम नक्षत्रम, तो नक्षत्र हम बोल सकते हैं नॉर्थ इंडियंस में. सो कुंडली देखते हैं ना कुंडली वैसा, जो हम सेम देखते टाइप हैं, हाँ. सो आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, देन वी गॉट टू नो ईच अदर एंड ऑल. एंड देन आई टोल्ड हिम 10 दिन, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबडीज टाइम. तो हम 10 दिन में शी वाज सो प्रिसाइज्ड कि 10 दिन चाहिए मुझे, मुझे उसमें पता चल जाएगा कि इफ यू आर द वन और नो. हाउ कैन यू डू दैट, नो मुझे पता चल जाता है. चलो ओके या आई वाज लाइक मुझे आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मुझे किसी को लटकाना नहीं है कि इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शंस प्लीज गो अहेड एंड यू नो लुक फॉर दोज ऑप्शंस आल्सो, टॉक विद दोज पीपल आल्सो. ही वाज लाइक नो आई लाइक टू कंसंट्रेट वन बाय वन. सो आई एम राइट नाउ आई एम ओनली गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन यू. आई सेड दैट्स योर चॉइस, बिकॉज आई एम मेकिंग इट क्लियर फ्रॉम माई साइड कि मुझे किसी को लटकाना नहीं है कि यू नो मे बी आई एम नॉट एबल टू गिव यू दैट मच टाइम एंड ऑल दैट. सो इफ यू हैव सम अदर ऑप्शन यू कैन गो अहेड विद दैट, बिकॉज आई डेंट हैव दैट मच टाइम वो तभी. सो देन वी डिसाइडेड कि ठीक है 10 दिन, 10 डेज आई विल स्पीक टू यू, वील कीप टॉकिंग, वील गेट टू नो ईच अदर एवरी थिंग एंड ऑल दैट, एंड देन वील सी हाउ इट वर्क्स. तो हमारी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, तो आप देखते जाइए तो आपको पता चलेगा. तो पहला ट्विस्ट तो ये मगम वाला. तो कैसे पता चला दैट ही इज नॉट मगम, हमने सोचा ओके अभी ठीक ठाक बात चल रहा है, तो मैंने घर पे बोल दिया कि ऐसा आई एम टॉकिंग टू सम पर्सन. तो मॉम ने बोला ठीक है प्रोफाइल दिखाओ जीवन साथी में एंड ऑल दैट, बिकॉज मैनेज्ड बाय पेरेंट वो हमने ऐसे ही डाल दिया था, बिकॉज यू नो सेल्फ मैनेज्ड अगर लड़कियां लिखती है तो जस्ट ऐसे होता है कि यू नो बहुत सारे फेक लोग आ जाते हैं एंड यू नो दे जस्ट सिंपली स्टार्ट सेंडिंग रैंडम मैसेजेस, एंड मुझे उसमें सब घुसना ही नहीं था वो टाइम पे, इट वॉज नॉट इन दैट स्पेस. तो आई जस्ट वॉन्टेड जेन्युइन पीपल, इसलिए जानबूझ के मैंने और मेरे बहन ने मिलकर ये प्रोफाइल बनाया था एंड वी हैड रिटन मैनेज्ड बाय पेरेंट. हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द नक्षत्रम, तो वैसे पेरेंट्स से बोल पेरेंट्स को बोला, दे सेड ओके ठीक है फोटोज दिखाओ. फोटोज थोड़े बहुत एक्सचेंज हुए, ही सेंट मी हिज फैमिली फोटोज, आई सेंट यू माई फैमिली फोटोज, एंड ऐसे थोड़ा बहुत फोटोज एक्सचेंज हुए. यू सेंट मी द डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग, एंड मुझे आदत है कि सब कुछ चेक करना पहले से. तो मैंने जाके वो सब डेटा एंड ऑल डाला जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं एंड नक्षत्र कैलकुलेटर एंड ऑल दैट स्टफ में देखा, तो ये तो मगीरियम आ रहा है एंड ही इज टेलिंग मी मगम. तो मैंने वापस जाके देखा, तो तब तक मैंने वो अपडेट कर दिया था. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मगीरियम इज नॉट एट ऑल अलाउड फॉर माई नक्षत्रम. बट फिर भी बिकॉज वी वर टॉकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, आई वी थॉट लेट अस जस्ट गो टू द एस्ट्रोलॉजर एंड लेट्स सी व्हाट द एस्ट्रोलॉजर इज गोइंग टू टेल. I remember you and mom had gone yeah morning mein, and you said ki I'll talk to you once I'm back from the yeah, astrologer yeah. So then we went and then what happened?
देन आफ्टर कमिंग यू टोल्ड मी ना कि ये होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज समथिंग इन द जादगम विच सेज कि ये अच्छा, अगर ये होगा तो इट इज नॉट गुड फॉर अस, ऊपर से हमने देखा था ही डिडन गो इन टू डेप्थ ऑफ दैट हॉरोस्कोप, जस्ट बिकॉज इट ऊपर वॉज से नथिंग सीरियस. ऐसे एक या आया है ऐसे रिश्ता, ही तो रिश्ता उन्होंने आया. दिखाया कि इसका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इसका टाइम है व्हेन द ही वाज बॉर्न, वो सब दिखाया. तो उन्होंने ऊपर ऊपर से देख के बता दिया था कि दिस इज नॉट नॉट एप्लीकेबल, हाँ मैचिंग, ये या मैच नहीं हो पाएगा, तो प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट. अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए तो सीरियस होना भी नहीं, हाँ क्योंकि बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशन है हाँ इस नक्षत्रम के लिए, तो इसलिए आप डोंट गो अहेड विद इट, दैट इज वॉट ही रेकमेंडेड. सो देन मैं आई घर पे एंड देन आई इन्फॉर्म हिम कि ऐसा ऐसा बोल ऐसा दिया ऐसा हुआ एस्ट्रोलॉजर है. ने, एंड आई थिंक तभी हम लोग का ब्रेकअप हो गया. सो वी फ्रॉम दैट ब्रॉक डे अप, वी डिडन स्पीक टू इच अदर आफ्टर यस, दैट. देन वी डिड आफ्टर नॉट स्पीक. ऑल ही ट्राइड टू कन्विंस मी थोड़ा थोड़ा, आई बट वॉज ट्राइंग देन टू मैसेज कि ऐसा नहीं होता है एंड ऑल दैट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आई वॉज नॉट इवन, मतलब मुझे पता ही नहीं था एग्जैक्टली वॉट हैपन्स इन एस्ट्रोलॉजी. एंड बिकॉज वी वर योर, जस्ट टॉकिंग एंड शी हैड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, बट मेरे घर पे बात नहीं हुआ था बिकॉज नथिंग वॉज श्योर. ऐसे ही बस कैजुअली बात हो रहा था, वी करेक्ट, वर टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, तो कुछ हो बिकॉज वो जाएगा. 10 days का डेडलाइन हुआ भी नहीं था तभी. आई उसके टोल्ड यू 10 दिन में पहले आई विल लेट यू नो, फिर वी कैन टेक इट फॉरवर्ड ना. तब तक माई मॉम वाज लाइक, ऐसे ही जाके देख लेते ऊपर ऊपर से जो भी है. तो एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया, तो वी वर लाइक, वैसे भी अरेंज्ड मैरिज है तो इट्स वाई टू नॉट, सिंपली टेक द टेक रिस्क. द एंड शी रिस्क. टोल्ड मी द सेम थिंग कि लेट्स लीव इट ऐसे ही, क्योंकि फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए मुझे. शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट सेंस कि पूरा क्लियरली बता दिया कि ऐसे ऐसा है, लेट्स स्टॉप टॉकिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और वॉट एवर, यू लुक फॉर सम वन एल्स, आई लुक फॉर सम वन एल्स, लेट्स सी. करेक्ट. ऐसा तो कुछ बात हुआ था. वैसे काफी टाइम तक, आई थिंक August 24th को ये जन्माष्टमी वाला टाइम था, विद इन अ वीक बाय August end ओनली ये सब हो गया था, मतलब कैंसिल हो गया था. एंड September 1st week गया, second week गया, फिर September 19th को क्या हुआ, यू सेंड मी अ मैसेज ऑन या इंस्टा. ऑन इंस्टाग्राम मैसेज, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर ऑन फेसबुक. माई मॉम वॉज देयर ऑन फेसबुक एंड सम हाउ आई डोंट नो हाउ हिज प्रोफाइल अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ हर, एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि दैट बॉय मीमो, उसके प्रोफाइल में वाई इज इट रिटन दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मेन एंड वुमेन बोथ. एंड दिस इसको इतना वियर्ड लगा कि शी इज आस्किंग मी दैट क्वेश्चन कि मतलब इतने दिन हम लोग बात नहीं कर रहे थे कुछ नहीं, ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब वी नेवर हैड एनीथिंग, बट फिर भी आई एम कॉलिंग इट अ ब्रेकअप. ऑल मतलब ब्रेकअप हो गया था एंड वी वर नॉट टॉकिंग, एंड September 19th को मैं सडनली टपकी इंस्टाग्राम पे, आई एम मैसेजिंग हिम दैट व्हाई हैव यू रिटन ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मेन एंड वुमेन बोथ. मतलब ये कैसा सवाल हुआ फ्रेंड्स के लिए, मतलब अभी जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही होनी चाहिए फेसबुक में, यू कैन मेक फ्रेंड्स अगर वो लड़का हो लड़की हो, हाँ, बट इट्स मोस्टली दैट सेंस, जो इंटरेस्ट का जो वर्ड यूज होता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ आई समथिंग डिडंट थिंक एल्स. इन दैट वे, बट आई एक्सप्लेन द सेम थिंग कि मेरे मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मुझे दोनों, मतलब फ्रेंड्स के इस तौर पे लड़का और लड़की दोनों रहेगा तो आई डोंट माइंड. या बट वी जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई, इसलिए आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या है, वॉट इज दिस केस, तो आई आस्क्ड हिम. तो वैसे हम लोग का वापस बात स्टार्ट हुआ, ऑफिस का भी शिफ्टिंग चल रहा था, मतलब मेरा कैबिन चेंज हो रहा था, तो दैट टाइम आई हैड लॉट ऑफ टाइम इन द आफ्टरनून टू स्पीक टू हिम, बिकॉज वो IT वाले कंप्यूटर सेटअप कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब चल रहा है वो कैबिन में, तो मेरे पास बहुत टाइम था. सो दैट डे आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक आई वॉज बिजी टॉकिंग टू हिम, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, एंड देन वी डिसाइडेड कि एक और बार ट्राई करते हैं, कीपिंग द एस्ट्रोलॉजी पार्ट असाइड, लेट्स जस्ट टॉक. और एक फनी पार्ट हुआ था व्हेन आई वाज अगेन ट्राइंग टू कन्विंस हर, बिकॉज सामने से शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, तो लेट्स सी अगर कोई चांस बनता है तो आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हर. तो उसने मुझे एक डायलॉग मारा था कि यू हैव टू कन्विंस माय डैड, यू हैव टू कॉल हिम एंड टॉक टू हिम, इफ ही इज कन्विंस देन वी विल सी. तो मैंने बोला अच्छा डैड से बात करना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं ये कहाँ जा रहा है एंड डैड्स एंड ऑल, ये नक्षत्र इफ दे आर इनटू एस्ट्रोलॉजी और मैं क्या कन्विंस करूंगा, तो आई वाज थिंकिंग. और वो एक दिन है और आज का दिन अभी तक मैंने डैड से कभी बात बात ही नहीं नहीं हुआ, की है किस डायरेक्ट टॉपिक शादी पे. हो गया, बट इस टॉपिक पे कभी बात ही कभी नहीं हुआ बात ही था. नहीं हुआ. इट वाज जस्ट एक्चुअली नक्षत्रम एंड ऑल दैट, इवन माय फैमिली वी आर नॉट टू मच इनटू दिस हॉरोस्कोप एंड ऑल दैट, बट बिकॉज इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज एंड ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने बोला एंड देर वॉज नथिंग बिटवीन अस कि ओ हम लोग को बुरा लगेगा या ऐसा कुछ है एंड ऑल दैट, तो पेरेंट्स वाले, तो अगर एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं तो क्यों कूदना किसी चीज पे, हम लोग को वैसे इतना भरोसा भी नहीं है. लव मैरिज होता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, दे वुड हैव गॉन अहेड विद इट, बट अरेंज मैरिज है तो दे वर लाइक व्हाई टू टेक द चांस, तो
छोड़ दो, स्पेशली जब ऐसा नक्षत्र में जो नहीं बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल करना नहीं है, करना बोला चाहिए बोला है, तो है। लेट्स गो एंड चेक। तो इन्होंने इसके हिसाब से जाके बोला, तो मैंने बोला आई डोंट माइंड टॉकिंग टू हिम, लेकिन पहले लेट्स सी ना वेर इट गोज, कैसे चलता है, कैसे हमारा बॉन्डिंग या हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल पे है, लेट्स सी दैट फर्स्ट। तो वैसे वैसे हम लोग बात देन करते आई रहे टोल्ड हिम यार। टू स्पीक टू योर फैमिली ऑल्सो एंड यू टोल्ड मी आई विल लेट यू नो इन 2 डेज व्हाट दे विल टेल। तो इस तरह फिर मैंने अपने घर पे भी बताया। आई थिंक आई स्पोक टू ग्रैंडमा मॉ या अचम्मा फर्स्ट, बिकॉज अचम्मा उनको मैंने बताया था ऐसा ऐसा है, बट अच्छा शी वो मतलब इन हिज फादर्स मदर सो या ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, सो शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, शी वॉज हैप्पी। फिर मैंने बोला था कि मॉम को डैड को बताऊंगा, फिर मॉम को बताऊंगा, ऐसा कुछ था। वन बाय वन आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म सबको, एक साथ बताने से अच्छा वन बाय वन मुझे बताना था। तो वन एवर आई वॉज इन्फॉर्मिंग वन पर्सन, आई वॉज इन्फॉर्मिंग आई वॉज टेलिंग दैट वन डाउन टू टू गो, टू डाउन करेक्ट वन करेक्ट टू गो, सो लाइक दैट आई वॉज कीपिंग अपडेटिंग हर। अपडेट या या सो वेन एवरीबडी वॉज लाइक ओके सो देखते हैं फिर आगे कैसे बात करना है, तो फिर हमने ये मीटिंग वगैरह फिक्स करने का बात हुआ था, है ना। ऐसे फिर बात करते 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 अक्टूबर 9th का डेट डिसाइड हुआ कि दे विल कम टू माय हाउस। एक्चुअली हिज मॉम स्टेज इन दुबई ओनली, शी इज वर्किंग, हिज ब्रदर एवरीबडी इज इन दुबई, डैड एंड ग्रैंड मदर दे वर इन विरार, सो ओनली मुंबई दोज टू या इन बॉम्बे, सो मुंबई, सो एंड सिस्टर इन लॉ शी इज ऑल्सो इन मुंबई, सो दे ऑल डिसाइडेड कि वो लोग आके देख के जाएंगे एक बार। तो अक्टूबर 9th वाला डेट डिसाइड किया था एंड वो टाइम पे ऐसा कुछ तो मंथ बोलते हैं हमारे मलयालम में कर्कड़ का मौसम, आई डोंट नो नॉर्थ में क्या बोलते हैं, वो टाइम पे हम अच्छी चीज की शुरुआत सब कुछ नहीं करते नहीं हैं, करते। तो दे वाला एक सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के कुछ फिक्सिंग नहीं करेंगे, सिर्फ देख के आके बाद में जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे का बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी सिर्फ ऐसे देख के विल जस्ट बी बैक। तो ऐसा सिंपल एक स्मॉल मीटिंग रख दिया था एंड दे डिसाइडेड ओके ठीक है ये टाइम पे आप लोग आ जाओ। अक्टूबर 9th तक वी वर टॉकिंग ऐसे व्हाट्सएप पे, स्काइप, वी नेवर मेट ईच अदर, वी ओनली सीन ईच अदर ऑन स्काइप एंड ये सब चल रहा था तभी। लकीली दुबई में स्काइप एंड IMO एंड ऑल अच्छा खासा चलता था, अभी इट इज नॉट अलाउड, तो वो टाइम पे ये सब चलता था। तो अक्टूबर 9th हुआ, दे केम एंड आई वोर अ साड़ी, तो उस दिन मैंने साड़ी पहन लिया था। सब बातचीत एंड ऑल हुआ, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी एंड ऑल हो गया एंड द फोटोज उन लोगों ने भेजा मॉम को, दुबई में पहुंच गए फोटोज थ्रू व्हाट्सएप। तो इन द फोटोज आई वाज लुकिंग स्लाइटली डिफरेंट, वो जो एंगल जो जिसमें खींचा गया था या वट एवर इट वॉज, आई वॉज लुकिंग स्लाइटली वियर्ड आई कैन से, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट बट दे वर ओके, दे वर लाइक वी नीड टू थिंक अबाउट इट वंस अगेन। तो ऐसे नोट पे हम ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करेंगे फर्स्ट पार्ट एंड वील सी यू इन आर नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे स्टे सेफ।